बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। पिछले 6 महीने से हम लगातार अपनी समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं। डीए साहब को ज्ञापन दिया हमने, डीएम साहब को ज्ञापन दिया। इस हमारी सबसे प्रथम समस्या है, जब हम अध्यापक थे, सातवें पे कमीशन का जो वेतन आयोग ने लगाया था उसकी हमारी किस्त की रह गई सेकंड किस्त। कुछ हमारे ब्लॉक हैं, उन्हें पहली किस्त भी नहीं मिली है, उसका भुगतान किया जाए। दूसरा, हमारे साथी जो मूल विद्यालय वापसी वंचित रह गए, रोजाना 60 से 65 किलोमीटर दूर जाकर अपनी नौकरी कर रहे हैं, 10,000 रुपये में उनके बच्चे किस तरह पल रहे होंगे, वो वापस किए जाएँ। तीसरा, हमारे जो बेसिक के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं हमारे सक्षम साथी, उनको पिछले 5 माह से वेतन नहीं दिया गया है, बजट होते हुए भी उनको मानदेय प्रति महीने की पहली तारीख को दिया जाए जिस तरह से टीचरों को वेतन दिया जाता है। इस सबके जिम्मेदार लेखाधिकारी है, लेखाधिकारी बजट आए हुए भी 6 महीने हो गए, हम लगातार उनको अवगत करा रहे हैं, उन्होंने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया समस्याओं हमारी पे, न ढंग से फोन में बात करते हैं और बजट होते हुए भुगतान नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ सारी समस्याओं को लेकर बैठे हैं, मैं स्वयं भूख हड़ताल पर अनशन बैठा हूँ और यहाँ तब तक नहीं उठूंगा तब इसका भुगतान नहीं होता है। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम सभी साथी एक साथ यहाँ आत्मदाह करेंगे, हम लकड़ी कटने का इंतजार कर रहे हैं, कल तक हम इंतजार करते हैं और ये हमारा अंतिम ऐलान जंग है। हम यहाँ बैठे हैं तब तक नहीं उठेंगे। ये शासन प्रशासन, हम सबसे मांग करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कराया जाए। आज ही हमारे एक साथी ने दुखी होकर के गौंडा में आत्महत्या की है, आत्मदाह किया उन्होंने आगे आकर के। इससे बड़ी व्यवस्था क्या होगी सरकार की, ये प्रशासन की, कि हमें हमारा जो मेहनताना मिलता है 10,000 रुपये वो इस समय पर दिया जाता है। आज शिक्षा में दुखी है, त्रस्त है, पूरे प्रदेश में 2,500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं लेकिन फिर भी कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है। शासन तो कर ही रहा है लेकिन जो हमें मिलता है वो हमें समय से मिलना चाहिए। हम इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर बैठे हैं यहाँ, अन्यथा की स्थिति में आगरा का शिक्षा मित्र अब यहाँ से नहीं उठेगा। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारे हैं, हम गाँव के हैं, बच्चे हमारे पहले हैं, क्योंकि टीचर तो बाहर से आता है, हम तो गाँव के हैं। लेकिन जब हमारी सुनी नहीं जाएगी, हम खुद हमारे बच्चों भूखे बैठे हैं, हम क्या करें, हम भी बेवस्थ हैं, कोई जरिया नहीं है। हम लगातार ज्ञापन का मतलब क्या होता है, ज्ञापन का मतलब होता है जो मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाए, पूरी की जाए, लेकिन इनके लिए केवल एक काज का टुकड़ा है। हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया, बीएसए को ज्ञापन दिया, शासन को ज्ञापन भेजे हमने, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। समस्याएं हमारे सामने बहुत हैं, पहले नौकरी चली गई, हमारा समायोजन कैंसिल हो गया, अब अपने एरियर के लिए हम लोग कितने दिनों से बोल रहे हैं लेकिन सरकार छू करने का नाम ही नहीं ले रही है। दिवाली दशहरा पे देंगे, दिवाली आ गई, सारे त्यौहार चले जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चों को कोई जरूरत नहीं होती है। हमारी बारी आती है तो इनके पास पैसे नहीं होते, ये नहीं है वो नहीं है, साथ से टीचर्स को बोनस भी दिया जा रहा है, सारे काम किए जा रहे हैं पर हमारे एक एरियर को देने के लिए इनको बहुत दिक्कत आ रही है। अब हमको बोल रहे हैं कि हम तुम्हें मातृत्व अवकाश देंगे, ये छोटे छोटे लॉलीपॉप्स हमको नहीं चाहिए। अब हमारे बच्चे हमारे साथ के हो चुके हैं, हमें मातृत्व अवकाश की कोई जरूरत नहीं है। देना है सरकार को, कुछ करना है तो हमें सीसीएल दीजिए, जो आज हमें हमारे बच्चों के लिए कम से कम हम समय तो दे सकें। केवल 10,000 से हमारे काम नहीं कर, हमें पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ रहा है तब जाके हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर पा रहे हैं और बच्चों के लिए टाइम भी नहीं है। अब सीसीएल की हमें कोई भी हमारी बहन ऐसी नहीं है जिसको मातृत्व अवकाश की आवश्यकता हो। शिक्षकों को मालूम होगा, हमें हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें अभी किसी को कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, 6 महीने से बजट भी आ रखा है फिर भी ये अधिकारी पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारे ही साथ क्यों ऐसा करते हैं, हमारे साथ क्या द्वेष है भाई, ये बताओ साहब।